हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों को रैबिट फार्मिंग एंड केयर यूट्यूब चैनल की तरफ से और हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी की तरफ से क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का नया साल मंगल में हो और आने वाले नए वर्ष की भी बहुत बहुत सारी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मादक जो आपकी फीमेल रैबिट्स हैं वो कितनी बच्चों को दूध पिला सकती हैं। ये क्वेश्चन कई दिनों से लगातार पूछा जा रहा है और इससे तमाम रिलेटेड जो चीजें हैं उन सभी चीजों पर बाय वन करके आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल में, और वीडियो के अंत में हम आप लोगों को अपनी खुद की जो फार्मिंग है तिमोथी और अल्फा अल्फा की ऑर्गेनिक तरीके से जो बनाई जा रही है, अभी जब दिसंबर और जनवरी के महीने में टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है जिसके कारण कोई कटिंग नहीं हो रही है, फरवरी में जैसे ही धूप तेज होगी टेम्परेचर बढ़ेगा कटिंग होगी, इसी फॉर्म के अंदर पैलेट्स बनाए जाएंगे, फीड पैलेट्स बनाए जाएंगे, वो सारे आप लोगों को ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट अमेजोन और डायरेक्ट हमसे भी अवेलेबल होंगे। अभी हर्बल फीड पैलेट जिस तरीके से आप लोग खरीद रहे हैं, हजारों आज उसके संतुष्ट ग्राहक हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत कृतार्थ है। आप हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर कोई भी आपके मन में संदेह है या कोई भी समस्या है तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप हमको सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, 5 बजे तक हर हालत में आप लोग फोन कर लीजिए। कोई भी समस्या है हम अपने प्रोडक्ट पूरी गारंटी के साथ बेचते हैं। कोई भी आपको समस्या आ रही है तो तुरंत आप हमसे फोन पे बात कर सकते हैं कि सर इस प्रोडक्ट को लेकर हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है या इसका इस्तेमाल कैसे करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी कि फीमेल रैबिट कितने बच्चों को दूध पिलाती है, तो अभी हम कितने बच्चों को दूध पिला सकते हैं ये तमाम लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिये, इसकी कोई क्षमता क्या है कि मादा खरगोश अमूमन जितने भी बच्चों को जन्म देती है, यदि वो एक स्वस्थ मादा है तो वो सारे बच्चों को, अपने बच्चों को दूध पिलाएगी। अब फीमेल ने 2 बच्चे दिए हैं, 4 बच्चे दिए हैं, 8 बच्चे दिए हैं, या 10 बच्चे दिए हैं, या 12 बच्चे दिए हैं, यदि मादा के अंदर हर तरीके की शारीरिक कमजोरी दूर है, उसकी जो बॉडी है वो हेल्थी है और बच्चे उसी के पास डिलीवरी बॉक्स में एज ए प्रोफेशनल तरीके से रखे हुए हैं, तो मादा खरगोश हर एक बच्चे को भरपेट दूध पिलाएगी। और उसके लिए आपको एक अच्छा फीड देना है, या खुद बनाते हैं या बाजार से ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में हमने आप लोगों को फीड बनाना बताया है, हमने आपको तमाम सारे वीडियोस में अपने सिनोमिन चिलेटेड मिनरल फोर्ड पाउडर के बारे में बताया है, जैसे कि ये है, इसको मिलाकर जब आप लोग फीड बनाते हैं तो मादाओं के अंदर प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन होता है, बच्चे देने की क्षमता बढ़ती है, बार बार समय से हीट पर आती हैं और अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी कंज्यूम करती हैं। तो आप सिनोमिन चिलेटेड मिनरल फोर्ड कैल्शियम का यूज करके खुद घर पे फीड बना सकते हैं या फिर एक बाजार से बना बनाया अच्छा फीड पैलेट्स ले सकते हैं। और जब मादाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है वो बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि मादा के पास 5 से अधिक बच्चे हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि मादा को कम से कम 20 दिनों के बाद ही मैटिंग करवाएं। समय से पहले आप मैटिंग करवा देंगे, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो अगले 10 दिनों के अंदर, 5 दिनों के बाद, करीबन 8 से 10 दिन के बाद उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो तेजी के साथ कम होने लगता है। उससे होता क्या है, जो माँ के पेट में बच्चे हैं वो भी कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि माँ के पास जो अभी बच्चे हैं वो भी उसका दूध पी रहे हैं, तो बॉडी के अंदर से ताकत निकल रही है, और जो बच्चे उसके पैदा होने वाले हैं वो, और जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे कमजोर हो जाएंगे। अभी जो बच्चे दूध पी रहे हैं वो कम दूध पाएंगे, वो भी कमजोर होंगे, और जो बच्चे पैदा होंगे वो भी कमजोर पैदा होंगे, तो और मादा का भी मिल्क प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि उसकी बॉडी कमजोर होगी। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखिएगा आप, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और पहली बात, सवाल का जवाब क्या था कि जितने भी बच्चे मादा ने दिए हैं उन सारे बच्चों का एक स्वस्थ फीमेल पेट भर सकती है, अब बशर्ते आप उसकी एक स्टैंडर्ड डाइट रखिए। यदि मादा खरगोश ने अधिक बच्चे दिए हैं या 5 से अधिक बच्चे दिए हैं तो आप उसको सिनोकैल कैल्शियम 1 ml डेली पिला सकते हैं, और उसको यदि और बच्चे देने के बाद आपने देखा अच्छे बच्चे पैदा हुए हैं, तंदुरुस्त बच्चे हैं, 5 से अधिक बच्चे हैं, तो आप इसको सिनोलिव लीवर टॉनिक 1 ml उसके खाने में मिलाकर 4-5 दिन दे दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जैसे ये सिनोलिव लीवर टॉनिक है, इसके अंदर हर तरीके के नेचुरल हर्ब से बना है, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, इसके अंदर कोई भी दवा या ड्रग्स नहीं है, हर तरीके के नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ लीवर टॉनिक है, जिसको देने से मादाओं के डाइजेशन अच्छा होता है, तेजी के साथ
भूख बढ़ती है, तो जो मादाएं अच्छी तरीके से खाना खाती हैं तो उनका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। और दूध की कमी को पूरा करने के लिए सिनोकैल कैल्शियम है, तेजी के साथ बॉडी में दूध को बढ़ाता है, जिससे मादाएं ज्यादा से ज्यादा दूध देना शुरू करती हैं। उनके अंदर आरबीसीएस काउंट और हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तेजी के साथ ब्लड बढ़ता है, जिसके कारण खरगोश सुस्ती और बिल्कुल उदास और सुस्त बैठा रहता है, वो समस्याएं खत्म होती हैं। तो इस तरीके की तमाम समस्याओं को लेकर जो भी समस्याएं आ रही हैं, इन प्रोडक्ट से आप खत्म कर सकते हैं, या कोई अच्छा प्रोडक्ट जो बाजार में आप लोगों के लिए स्पेशली रैबिट के लिए अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। आप ये सारे प्रोडक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां से ले सकते हैं। अब बात हो रही है मादाओं के कितने बच्चे दूध पिलाएंगी। अब जब मादा खरगोश बच्चों को दूध पिला रही है, उसके पास जितने भी बच्चे हैं, इस बात का वहां पर ध्यान रखना है, यदि बच्चे अधिक हैं तो वही फीमेल दूध पिला रही है, और जब बच्चे कम हैं तब भी वही फीमेल दूध पिला रही है। तो ऐसा क्या होता है मादा के अंदर चेंज कि वो इतने बच्चों को एडजस्ट कर लेती है। तो दोस्तों अभी ये भी एक सोच आ जाती है कि लोगों की अगली बार इसने 4 बच्चों को दूध पिलाया और बड़े किए, उनकी हेल्थ सही थी, अब इसके बाद अगली बार बच्चे दिए इसने तो 8 बच्चे दिए, तो क्या ये 8 बच्चों को दूध पिला पाएगी? ऐसे तमाम लोगों के सवाल आते हैं। और आपको हम यहाँ पर अपने सालों के अनुभव के से भी साझा करवाते हैं कि जैसे हजारों रैबिट हमारे फॉर्म में हैं, सालों से आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, और जब भी वीडियो बनाते हैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें डालने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि वही मादा कैसे बच्चों को ज्यादा दूध पिलाएगी। तो आपको करना क्या है कि फीमेल रैबिट जो है उसकी फीडिंग का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में उसको भरपेट भोजन दीजिए और अच्छी हरी सब्जियां दीजिए, हरे पत्ते दीजिए और सूखी घास खिलाइए, फीड पैलेट्स खिलाइए, और इस कोशिश करिए कि जितना भी फीड पैलेट्स वो खा रही है, 150 ग्राम, 120 ग्राम, 200 ग्राम, जो भी वो करीबन ऐसी, जब मादा के पास ज्यादा बच्चे हैं तो करीबन 150 ग्राम फीड वो आसानी से इंटेक कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी और उसको डाइजेस्ट कर लेगी। क्योंकि जब बच्चों के अंदर माँ क्या होगा फिर, जैसे उसके पास 11 और 12 बच्चे हैं, वो थोड़ा सा उसने खाना खाया और जाके डिलीवरी बॉक्स में थोड़ी देर बाद बच्चों को दूध पिला देगी, क्योंकि उसको पता है कि अभी हमारे 4 बच्चे भूखे हैं। तो अगली बार जब वो जाएगी अपने मन से डिलीवरी बॉक्स में, तो जो बच्चे भूख से रह गए हैं, छूट गए हैं, उन बच्चों को जाके दूध पिला देगी। तो इस तरीके से माँ खुद ही अपनी जिम्मेदारी से जल्दी जल्दी जाकर डिलीवरी बॉक्स में दूध पिलाती है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसी कंडीशन में फीमेल्स को जो फीडिंग है, जो भूख है, वो ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ मादाओं को ज्यादा से ज्यादा जितना भी वो खाती हैं उतना उनको फीड दीजिए, भूखा मत रखिए जितनी भी फीमेल, और अच्छा एक क्वालिटी फीड देंगे तो आपके ये जो भी फीमेल्स हैं, जितने भी बच्चे उन्होंने जन्म दिए हैं, वो सारे बच्चों को अच्छे तरीके से पाल देंगी। और यहाँ पर और अपने तजुर्बे से आप लोगों को बताते हैं, यदि फीमेल के पास 2, 3 या 4 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, कितने भी इतने कम बच्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि फीमेल को 7 से 8 दिन बाद दोबारा मेल से मेटिंग करा सकते हैं, दोबारा से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, 4-5 बच्चे हैं, सॉरी 3, 4, 5 बच्चे हैं, तो उनको भी दूध पिला लेगी और नए बच्चों को भी अच्छी तरीके से, मतलब कि उसके पेट में तंदुरुस्त बच्चे वो भी डेवलप हो जाएंगे, बशर्ते आप उसको एक अच्छा और क्वालिटी फीड दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे। देखिए बच्चों को जब आप अलग रखते हैं तो आप मैक्सिमम 1 से 2 बार ही दूध सुबह और शाम पिला सकते हैं। यदि माँ के पास बच्चे ज्यादा हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर बच्चे मरने लगते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मदर मिल्क, माँ के दूध की कमी की वजह से। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि यदि बच्चे ज्यादा हैं तो उसके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, मिनरल मिक्सचर्स, ये कुछ मिला के फीड को बनाइए, जिससे उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से बना रहे। तो इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो जो भी फीमेल ने जितने भी बच्चे दिए हैं उनको अच्छी तरीके से झिला देगी मादा, और ज्यादा कुछ आप लोगों को करना नहीं है, सिर्फ माँ को भरपेट खाना देना है, क्वालिटी फीड देना है, वो खुद जाके बच्चों को दूध पिलाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही शानदार जानकारी के साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने खेत में, जहाँ पर हमने अल्फा अल्फा और तिमोथी की ऑर्गेनिक तरीके से खेती की है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये जो बड़े बड़े पेड़ आप लोगों को दिख रहे हैं, ये अल्फा अल्फा के हैं और तिमोथी इसी के अंदर मिक्स है। एक छोटा सा पेड़ हम आप लोगों को जूम करके तिमोथी का भी दिखाएंगे अभी, क्योंकि तिमोथी के पेड़ जो हैं वो लेट निकलते हैं और बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं। ये देखिए ये एक तिमोथी का पेड़ देखिए धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो हो रहा है। देखिए इस तरीके से तिमोथी और अल्फा अल्फा मिक्स करके इसमें लगाया गया है। तिमोथी 1 से 2 कटिंग के बाद तिमोथी खत्म हो जाएगा
और अल्फा अल्फा जो है वो पूरे साल हमारा चलता रहेगा। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं गेहूं की तरीके के, ये तिमोथी के पेड़ हैं। अभी हमारे यहाँ पर यूएसए से सीड्स खरीदा गया है अल्फा अल्फा और तिमोथी का। तो यहाँ पर जो ये तिमोथी की सीडिंग हमने की थी, आप लोगों को दिखाया था, वो भी डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। तो बहुत ही जल्द, अभी टेम्परेचर बहुत ही लो है, दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर लो होने के कारण इसकी कटिंग भी हो जाएगी, तो सूखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। देखिए तिमोथी अब निकल आई है और अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। ये देखिए यहाँ पर जो तिमोथी के पेड़ हैं ये आप लोग देख सकते हैं, और ये जो पेड़ है स्पेशली ये वाला जो पेड़ है बड़ा का जो आप देख रहे हैं, ये अल्फा अल्फा का पेड़ है, और ये जो गेहूं की तरह पेड़ देख रहे हैं आप, ये तिमोथी के पेड़ हैं। अल्फा अल्फा और तिमोथी की मिक्स क्रॉपिंग यहाँ पर की गई है आप लोगों के लिए। 100% ऑर्गेनिक अल्फा अल्फा और तिमोथी का पैलेट्स यहीं से बना के आप लोगों को लिए दिया जाएगा। आप हे भी खरीद सकते हैं और सूखी घास का पैलेट्स भी खरीद सकते हैं। वो हमारा फॉर्म जो कि आप लोग आगे देख रहे हैं, और यहाँ पर तिमोथी और अल्फा अल्फा का पैलेट्स और तिमोथी अल्फा अल्फा और फीडिंग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर उसमें वेजिटेबल और एप्पल ऑरेंज बनाना जो भी फ्रूट्स हैं उनको मिलाकर एक अच्छा संतुलित आहार आपके रेबिट के लिए टेस्टी हेल्थी और डाइजेस्टिव बना के आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द अवेलेबल करवाया जाएगा।